you. For latest videos of Radio Udaan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. दोस्तों रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि शो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करवाते हैं। इसके पहले हमने मैजिक ऑफ मैथ का एक शो किया था जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा सारा के सारा, और अब भी हम कर रहे हैं रीजनिंग क्लासेस और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाकर, जो कि है www.radioudaan.com, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं meenalsinghvi@gmail.com meenalsinghvi@gmail.com। चलिए हम चलते हैं आंचल जी के पास और देखते हैं कि वो इस शो में आज हमें क्या सिखाने वाले हैं। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जिस अध्याय को, जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका सिलोलिज्म। हो सकता है इस नाम से आप वाकिफ ना हो सिलोलिज्म के तो, पर आपने जब कोई एग्जाम दिया होगा या एग्जाम को आपने कभी डेमो दिया होगा या आपके अध्ययन के दौरान ही आपने कुछ प्रश्न सुने होंगे, जैसे ऑल मैंगोज आर पाइनएप्पल, राइट, ऑल कॉटन आर वुड, या सम कैट आर डॉग्स। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपने निश्चित रूप से सुने होंगे और इसी तरीके के क्वेश्चंस हम सिलोलिज्म टॉपिक के अंतर्गत सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली चार तरीके के, बेसिकली इसलिए कि और भी चीजों को एग्जाम या एग्जामिनर बना देता है, पर बेसिकली चार तरीके की चीजें होती है। ये चार तरीके की सब लैंग्वेज आपको मिलेगी। पहला रहेगा कि सभी, हम देखो दो कंटेंट बांटेंगे, ए और बी, ओके। जो भी प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे अभी या जो भी इस अध्याय में करेंगे, बेसिकली ए और बी को मानेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सी और डी का भी सारा लेंगे, ठीक है। तो ए और बी दो कंटेंट अभी हम मांग के चलते हैं और आपको चार कौन कौन से सेंटेंस मिलेंगे मैं आपको वो बता देता हूं। एक मिलेगा आपको सभी ए बी है, All A are B। दूसरा मिलेगा कुछ A B है, Some A are B। तीसरा मिलेगा कुछ A B नहीं है, Some A are not B। और एक मिलेगा आपको कोई भी A B नहीं है, No A is B। ठीक, मतलब अगर हम इसको कैट और डॉग में कन्वर्ट कर दें तो हम कैसे बोल सकते हैं, ऑल कैट आर डॉग्स, ये किस तरीके से मिल सकता है, सम कैट आर डॉग्स, ओके, मतलब कुछ कैट डॉग्स हैं, ये मिल सकता है, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, और चौथा मिल सकता है आपको नो कैट इज अ डॉग। तो इस तरीके से चार तरीके के स्टेटमेंट्स आपके सामने बेसिकली प्रस्तुत होंगे, ठीक। चलिए आगे समझते हैं। सिलोलिज्म के तहत एक बात को आपको प्रॉपर अपने माइंड में एक क्लिक करके पॉइंट को नोट करके रख दीजिए, माइंड से कभी पॉइंट स्लिप नहीं होना चाहिए, कि यहां पर बेसिक लॉजिक नहीं लगेगा। बेसिक लॉजिक क्या कहता है, अगर मैं कह रहा हूं सम कैट आर डॉग्स तो अब आप सोचने में मत पड़ जाना कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हो, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो ऐसा तो आप सोचने लग जाओ कि यार ऐसा कैसे हो जाएगा, या मैं बोल दूं कि ऑल सभी बिल्ली कुत्ता है, ठीक है,
ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो अब ऐसा नहीं है कि आप लॉजिक लगाओ अपना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ऐसे ही जब मैं ये बोल रहा हूं कि सम कैट्स आर डॉग्स, ओके, तो ये भी आपको थिंकिंग में नहीं लाना है कि यार अगर कुछ बिल्ली कुत्ता है, देखिए बेसिक थिंकिंग क्या कहती है कि अगर कुछ बिल्ली कुत्ता है तो कुछ नहीं होगी, लेकिन सिलोलिज्म के तहत हम इस थिंकिंग को नहीं लाएंगे, ठीक। सिलोलिज्म के तहत इस थिंकिंग को हम नहीं लाएंगे, बेसिक थिंकिंग का फॉलो नहीं करना है। इसका मतलब साधारण शब्दों में कहूं, जितना दिया है उतने पे ही हमें संतोष करना है। हमें अपनी तरफ से अपना माइंड नहीं लगाना है कि यार अगर कुछ है, कुछ बिल्ली कुत्ता है तो कुछ नहीं होंगी, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसे ही सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, मतलब कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अब आप सोचो कि कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है तो कुछ होगी ही, बिल्कुल भी नहीं सोचना ये। हमारे सामने बस कितना दे रहा है, कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, बस हमें इतना ही ट्रीट करना है, इससे आगे कुछ नहीं सोचना, पीछे कुछ नहीं सोचना। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स ओ शट अप यार। यार एमके, आजकल तो 4G का जमाना है, तूने तो नया फोन लिया है ना, उसमें तो 4G है ना? उसमें तो 6G है। 6G, ये कैसे पॉसिबल है? अरे यार, ये फोन डुअल सिम है और दोनों सिमों में 3G 3G है, तो हुआ ना 6G। ओ शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udan, a flight of life. ये जो बेसिक चीजें हैं, ये सिलोलिज्म के तहत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर यही होता है, यही गलतियां हम लोग परफॉर्म करते हैं अपने एग्जाम में। हम अपनी जो बेसिक थिंकिंग है, बेसिक लॉजिक है, उसको हम यूज करते हैं और मात खा देते हैं, ओके? इसके तहत मैं आपको दो तरीके के मेथड्स बताऊंगा, तो दोनों मेथड्स में एक इजी रहेगा और एक आप अभी उसको टफ मानेंगे, ठीक है, लेकिन मेरे निगाह में जो टफ वाला है वो सबसे ज्यादा बेहतर है, अगर वो चीज समझ में आ जाती है तो। और जो इजी वाला है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको रोकूंगा, या ऐसा नहीं है कि वो भी कोई गलत मेथड है। अब मेरे साथ में एक प्रॉब्लम ये आएगी कि यदि मैं आपको शुरुआत में इजी मेथड बता दूं, फिर आप जो कठिन मेथड है उसको नहीं अपना पाएंगे, ओके? चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको जो मेथड सबसे पहले बताऊंगा वो होगा इजी मेथड, ये जानते हुए कि आप कठिन मेथड को नहीं अपनाएंगे, अपना नहीं पाएंगे इजी मेथड को जानने के बाद, फिर भी कहूंगा कि मैं आपको आज बताऊंगा पहले इजी मेथड, ठीक है। अब इसके पीछे मैं क्यों बता रहा हूं ये मेरे तक रहने दीजिए, लेकिन फिर भी जैसे यदि हम एक या दो लेक्चर में ही हम लोग क्या होंगे कि टफ मेथड की ओर बढ़ जाएंगे, तो उसके लिए छोटा सा काम करके रखिएगा, काम छोटा है, और काम यह है कि आपको आपको क्या करना होगा कि आपको दो डिफरेंट साइज की, दो छोड़िए तीन या चार ले लीजिए, ओके, दो से दो दो सेम सेम साइज की ले लीजिए, या दो सेम साइज के, दो अलग सेम साइज की, मतलब डिफरेंट साइज की बैंगल्स अर्थात चूड़ियां आप ले लीजिए, मतलब टोटल चार चूड़ियां ले लीजिए, हम लोग दो या तीन चूड़ियों तक ही काम करने वाले हैं, ठीक है। अब हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के लिए चूड़ियों को अरेंज कर पाना मुश्किल हो, जो अगर घर की जगह कहीं बाहर रह रहे हैं, तो अगर चूड़ियों को अरेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल है तो और भी चीजें हैं, और भी साधन है जिसको हम अपना सकते हैं, जैसे एक कटोरी ले लीजिए और एक प्लेट ले लीजिए, ठीक है, और एक मतलब प्लेट में भी दो तरीके की प्लेट ले लीजिए, एक छोटी प्लेट और बड़ी प्लेट, ठीक, और एक कटोरी हो गई, इस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है, जो आपको सबसे सूटेबल लगे वो काम कीजिए,
ठीक है, क्योंकि मेरे को जो चीज समझानी है वो मैं प्लेट से भी समझा सकता हूँ, वो मैं चूड़ियों से भी समझा सकता हूँ। ओके, जो कठिन वाले मेथड में रहेगी, जो इजी मेथड है उसके लिए क्या चीज है वो मैं, उसके लिए आपको चूड़ी या प्लेट्स की आवश्यकता नहीं है, वो आप सिंपली उसको समझ लें। ठीक है, कुछ चीजें आपको इसमें याद करनी पड़ेंगी, अगर आप इसको कहीं पर नोट कर सकते हैं किसी भी तरीके से तो नोट कर लीजिए, अगर इसको अपनी मेमोरी पावर में ग्रहण कर सकते हैं तो ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, और इस लेक्चर को अगर भूलते भी हैं तो इस लेक्चर को कहीं ना कहीं अपने पास सेव रखिएगा, ठीक है, या रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि आप भविष्य में इस मेथड को भी या जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसको आप बार बार रिवाइज करके अपने आप को हमेशा पक्का करके रखें। अभी कुछ चीजें बता रहा हूं उनको कैसे करेंगे, फिर वो उसके बाद बताऊंगा, पहले पूरी लिस्ट आपको एक प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, सुनिए, ऑल प्लस ऑल, ऑल प्लस ऑल इज इक्वल टू ऑल। पहला रूल है आपका, ऑल प्लस ऑल इज इक्वल टू, या इसका कंक्लूजन होगा ऑल। दूसरा है ऑल प्लस सम, ऑल प्लस सम, ठीक, याद रखना ये ऑल प्लस सम है, हम इसको ऐसा नहीं है कि सम प्लस ऑल बोलेंगे, ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, ऑल प्लस सम इज इक्वल टू हो जाएगा नो कंक्लूजन, इज इक्वल टू नो कंक्लूजन। तीसरा है ऑल प्लस नो, ऑल प्लस नो, इसका कंक्लूजन या हो जाएगा नो, मतलब नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन नहीं, नो आंसर आएगा, मतलब ऑल प्लस नो का नो आएगा। अभी आप केवल ध्यान से सुन लीजिए, इन सबके बारे में एक्सप्लेनेशन में कर दूंगा। अगला है सम प्लस ऑल, पहले हमने ऑल प्लस सम किया था, ध्यान रखिएगा, ऑल प्लस सम में मैंने आपको क्या बताया था, नो कंक्लूजन, अब है सम प्लस ऑल, और ये हो जाएगा आपका सम, कंक्लूजन इसका हो जाएगा सम। अगला है सम प्लस सम, और इसका कंक्लूजन हो जाएगा नो कंक्लूजन। अगला है सम प्लस नॉट, सम प्लस नॉट, इसका कंक्लूजन हो जाएगा सम नॉट, इसका कंक्लूजन हो जाएगा सम नॉट। अगला है नो प्लस ऑल, नो प्लस ऑल, इसका कंक्लूजन हो जाएगा सम नॉट, और इसके साथ में आप एक बात और ध्यान रखेंगे वो है रिवर्स, ठीक। अगला है नो प्लस सम, नो प्लस सम, इसका कंक्लूजन हो जाएगा सम नॉट, और इसमें भी याद रखना है आपको रिवर्स। अगला है आपका नो प्लस नो, नो प्लस नो, इसका कंक्लूजन हो जाएगा नो कंक्लूजन। अगला है सम नॉट, सम नॉट प्लस ऑल, इसका कंक्लूजन हो जाएगा नो कंक्लूजन। अगला है सम नॉट प्लस सम, सम नॉट प्लस सम, इसका भी हो जाएगा नो कंक्लूजन। अगला है सम नॉट प्लस नॉट, सम नॉट प्लस नो, सम नॉट प्लस नो, इसका कंक्लूजन हो जाएगा नो कंक्लूजन। ओके, उम्मीद है आपने ये लिस्ट को या तो नोट डाउन में रखा हो या
रिकॉर्ड कर लिया होगा। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओ शट अप यार। अच्छा किरण, टेल मी व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डोमिनोज। डोमिनोज का अपोजिट? आई डोंट नो यार, तू बता क्या होगा। अरे यार सिंपल, डोमी डोंट नोज। जस्ट शट अप यार। टू नो मोर लॉग ऑन टू www.radioudan.com। कीप लिसनिंग एंड कीप लाफिंग विद रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अब मैं आपको, अभी तक आपको बहुत उलझन लगी होगी कि मैंने बोल क्या दिया एक्चुअल में, क्या ऑल सम, नो नॉट, नो कंक्लूजन, सम, क्या चल रहा था ये। अब मैं आपको पहले प्रश्न बताता हूं कि प्रश्न किस तरीके से आपके आते हैं और जो ये लिस्ट बताई है वो आपकी किस तरीके से उसमें मदद करती है। वैसे तो सिलोलिज्म के प्रश्न आसान नहीं होते और अगर एक बार सीख लो तो मुश्किल नहीं होते। देखिए हमसे क्या होता है, किस तरीके के प्रश्न आते हैं। प्रश्न में पूछता है जैसे ऑल डॉग्स या ऑल डॉग्स आर मंकीज, ऑल डॉग्स आर मंकीज, ठीक। और दूसरा स्टेटमेंट दे देगा हमको, स्टेटमेंट वन क्या दिया, ऑल डॉग्स आर मंकीज। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे देगा, ऑल मंकीज आर कैट्स, All dogs are monkeys। और दूसरा क्या दिया स्टेटमेंट, All monkeys are cat। मतलब पहला स्टेटमेंट है कि सभी कुत्ते बंदर हैं और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया, सभी बंदर बिल्लियां हैं। और फिर क्या करता है, हमारे सामने कंक्लूजन पेश करता है, दो या तीन कंक्लूजन रख देगा। मैं आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बता रहा हूं अभी कि क्वेश्चन हमारे सामने किस तरीके से प्रस्तुत होते हैं, ठीक है। दो या तीन फिर कंक्लूजन दे देगा। मान लीजिए उसने दो कंक्लूजन आपको दे दिए, कंक्लूजन कैसे दे देगा, एक कंक्लूजन दे देगा कि ऑल डॉग्स आर कैट्स, दूसरा दे देगा सम कैट्स आर डॉग्स, इस तरीके से क्या है कंक्लूजन दे देगा। अर्थ क्या है पहले उसका ये समझते हैं, फिर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अर्थ ये होता है कि पहले आपको स्टेटमेंट दे दिया, दो स्टेटमेंट दे देगा और बहुत ही रेयर होते हैं कभी कभी तीन स्टेटमेंट भी दे देता है, पर अभी हम लोग दो ही स्टेटमेंट पर रखेंगे। आपके सामने दो स्टेटमेंट दे दिए, ठीक। उसके बाद आपसे ये पूछता है कि इन दो स्टेटमेंट को सुनकर पढ़कर आप किस नतीजे पे पहुंचे, आपका निष्कर्ष क्या है, ठीक। तो हमारे सामने ये क्या है, निष्कर्ष रखता है कि आपने दोनों स्टेटमेंट को पढ़कर क्या निष्कर्ष निकाला, समझ गए। ये चीज होती है सिलोलिज्म के अंतर्गत। मुझे उम्मीद है कि कुछ कुछ बातें अभी तक समझ में आई होंगी। अभी उस लिस्ट को माइंड में रखना है, ठीक है, हम इसका उपयोग करेंगे। पहले जो चीज हम लोग बात कर रहे हैं उस चीज को समझिए। हमारे सामने पहले स्टेटमेंट रख दिए, फिर कंक्लूजन दे देगा, फिर कंक्लूजन छाटो, हो सकता है कि पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा हो सकता है कि केवल दूसरा कंक्लूजन फॉलो कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि दोनों ही कंक्लूजन फॉलो कर रहे हो, और ये भी तो संभव है कि कोई भी कंक्लूजन फॉलो ना कर रहा हो, ठीक। और एक पांचवी संभावना भी बनती है कि या तो पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा या दूसरा करेगा। मैंने आपको पांच संभावना बताई है और यही पांच आपके ऑप्शंस होंगे हमेशा आपके एग्जाम में। यदि आप बैंक का एग्जाम देंगे तो वहां पांच ऑप्शंस आते हैं, पांचों ऑप्शंस यही होंगे कि ओनली वन फॉलोस, ओनली सेकेंड फॉलोस, ए और एंड बी बोथ फॉलोस, नीदर ए नॉर बी फॉलोस, इधर ए और बी फॉलोस। मतलब चौथा क्या था, नीदर ए नॉर बी, मतलब ना तो ए ना ही बी फॉलो करता,
और पांचवा क्या था, इधर ए और बी, अर्थात या तो पहला करेगा या दूसरा, मतलब या तो इधर वन और टू कंक्लूजन फॉलोस, मतलब या तो पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा या दूसरा। इस तरीके से हमारे सवाल गढ़े होते हैं। ठीक, मेरा नाम कृष्णा यादव और मैं श्री कृष्णा पिकल्स के मालिक हूं। मेरे कुछ आप सुन रहे हो रेडियो उड़ान पर। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudaan.com। हैप्पी लिसनिंग। अब समझो कि मैंने आपको जो लिस्ट दी है वो कब और किस मायने में काम आती है। देखो, पहला हमारा स्टेटमेंट क्या था, ऑल डॉग्स आर मंकीज, राइट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था, ऑल मंकीज आर कैट। पहला स्टेटमेंट था ऑल डॉग्स आर मंकीज और दूसरा स्टेटमेंट था ऑल मंकीज आर कैट। ठीक, अगर आप ध्यान से इस प्रश्न को देखें तो पहले क्या है, डॉग है फिर मंकी है पहले स्टेटमेंट में, और दूसरे स्टेटमेंट में पहले मंकी है फिर कैट है। ठीक, मैंने आपको जो लिस्ट दी है वो पहला से चौथे का, मतलब यहां अगर हम दोनों स्टेटमेंट में बात करें तो डॉग और कैट के बीच के रिलेशन को बताने वाली लिस्ट थी। मतलब पहले क्या था, पहले था डॉग मंकी, पहले स्टेटमेंट में दो थे, फिर दूसरे स्टेटमेंट में क्या था, मंकी और कैट, फिर टोटल चार हो गए, डॉग मंकी मंकी कैट, इस तरीके से मैं बात कर रहा हूं। तो पहले का चौथे से अर्थात डॉग का कैट से कनेक्शन है जो मैंने आपको लिस्ट दी है, ये समझिए आप। मतलब ऐसा नहीं है कि हमसे रिलेशन वो किसी और चीज का पूछेगा, पूछ सकता है, मतलब जो लिस्ट है वो इस चीज में काम करेगी। आप समझिए कि किस तरीके से वो लिस्ट काम करती है, जो अभी मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की थी। ये था ऑल डॉग्स आर मंकीज और दूसरा था ऑल मंकीज आर डॉग्स। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट ऑल के हैं। पहला क्या है, ऑल डॉग्स आर मंकीज, ऑल से स्टार्ट है, स्टार्टिंग देखनी है, ठीक है। और दूसरा है ऑल मंकीज आर कैट्स, ये भी ऑल से स्टार्ट है। तो ऑल प्लस ऑल, मतलब दोनों ही में ही ऑल अगर मिल जाता है तो इसका कंक्लूजन जो जाएगा वो ऑल में जाएगा। ठीक, तो इसका कंक्लूजन क्या बनेगा, All dogs are cats। मतलब डॉग को हम पहले रखेंगे, शुरुआत में दे रहा था, और कैट को बाद में रखेंगे जो बाद में दिया था। All dogs are cats, ये हुआ इसका कंक्लूजन। इस बात को उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए इस तरीके के हम कुछ प्रश्नों को करते हैं ताकि आपकी वो प्रैक्टिस मैं रिदम में आ जाए। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। ऑल पेन आर पेपर्स, पहला स्टेटमेंट है ऑल पेन आर पेपर्स, और दूसरा स्टेटमेंट है ऑल टेलीविजन आर पेपर्स। थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, ये वाला रुकिए। पहला का स्टेटमेंट था आपका ऑल पेन आर पेपर्स और दूसरा स्टेटमेंट है आपका ऑल पेपर्स आर टेलीविजन। ऑल पेन आर पेपर्स, दूसरा स्टेटमेंट ऑल पेपर्स आर टेलीविजन। ठीक, ऑल प्लस ऑल की कंडीशन है, कंक्लूजन क्या आएगा, ऑल में आएगा। तो क्या कंक्लूजन आएगा, ऑल पेन आर टेलीविजन। समझ में आया।
ऑल प्लस ऑल के केस में कंक्लूजन क्या रहता है ऑल में। देखिए क्या होता है ना कि मैंने आपको क्यों बताया कि लिस्ट थोड़ी सी इजी होने के बावजूद मैं प्रेफरेंस देता हूं सेकंड वाले मेथड को, मतलब जो मैं आपको बताऊंगा बाद में, जिसके मैंने आपसे चूड़िया की या प्लेट्स कटोरी वगैरह की डिमांड की है, उसको आप हमेशा अपने पास रखिएगा इस समय पर, जब तक आप मेरे लेक्चर चल रहे हैं या सिलोलिज्म चलेगा उसको आप पास में रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है वो मेथड आपको जल्दी और आसान लगेगा, क्योंकि वहां एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी। यहां क्या होगा, कई बार भटकाव होगा, भटकाव क्यों होगा ये भी आप धीमे धीमे समझ जाएंगे। ठीक, अभी तो हम जनरल मेथड पर चल रहे हैं, इसे जनरल मेथड को चलने दीजिए, फिर धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि क्या खामियां हैं इस लिस्ट की, इस लिस्ट को याद करने की क्या खामियां हैं, और यदि आप जैसे ही पारंगत हो जाएंगे फिर आपके लिए लिस्ट वरदान साबित होगी। पारंगत होने के बाद ये लिस्ट वरदान साबित होगी, याद रखिएगा। अब हम समझेंगे कई ऐसी और चीजों को यहां पर जो थोड़ा सा टफ बना देगी चीजों को, पर अभी कुछ और प्रश्न की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी रिदम थोड़ी सी क्रिएट हो। उससे पहले एक जरूरी चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी टॉपिक के लिए तीन फैक्टर्स होते हैं। एक होता है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है एक्यूरेसी, और तीसरा होता है टाइम। मतलब पहला होता है टॉपिक की या जो हम अध्याय कर रहे हैं उसकी समझ, दूसरा होता है एक्यूरेसी अर्थात उसको ठीक करना, और तीसरा होता है आपका समय टाइम। ठीक, इस तरीके से तीन चीजों में विभक्त होता है कोई भी टॉपिक। अब मैं आपसे इस बात को अगर रख रहा हूं तो आगे मैं इस चीज में ये कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है अभी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब बिल्कुल टॉपिक जो हम कर रहे हैं, अध्याय जो कर रहे हैं, मेथड जो कर रहे हैं, वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, पानी जैसा साफ होना चाहिए। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती, और एक्यूरेसी नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, तो टाइम का तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसलिए बार बार कहता हूं कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मुझसे जरूर पूछ लें। ठीक, इसलिए मैं आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड करता हूं कि कभी कोई कॉन्सेप्ट में कभी भी कोई दिक्कत हो रही है तो मुझसे पूछने में हिचकिचाए नहीं। हो सकता है कि मैं आपके प्रश्न का आंसर थोड़ा लेट करूं, इट मे बी, बट आप मुझसे दोबारा पूछिए अगर मैं किसी कारण भूल जाता हूं तो। ठीक, ये आपकी ड्यूटी है और धर्म है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए आपके लिए। तो जरा मुझे बताइए, ऑल फिश आर रोज, All fish are roach, और दूसरा है All rose are lotus, All fish are rose, दूसरा है All rose are lotus। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे CCPD रेडियो रान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो रान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो रान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radiouran.com। सुनते रहिए रेडियो रान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आएगा कंक्लूजन इसका, ऑल फिश आर लोटस, वेरी गुड। ठीक, एक और ले लेते हैं, ऑल बोटल्स आर कैलकुलेटर, ऑल बोटल्स आर कैलकुलेटर, और दूसरा है
all calculators are remote. All bottles are calculator. Dusra hai, all calculators are remote. What will be the conclusion? All bottles are remote. चलिए एक और लेते हैं. All medicines are the keys. Keys मतलब चाबी, ठीक है. All medicine are keys. दूसरा है All keys are glass. All keys are glass. सभी दवाइयां चाबियां हैं. पहला था. दूसरा स्टेटमेंट था सभी चाबियां ग्लास हैं. तो आंसर क्या बनेगा, कंक्लूजन क्या बनेगा? ऑल मेडिसिन आर ग्लास. ठीक, तो अगला लेते हैं. ऑल मोबाइल्स आर एंड्रॉइड. ऑल मोबाइल्स आर एंड्रॉइड. दूसरा स्टेटमेंट ऑल एंड्रॉइड आर आईफोन. ऑल एंड्रॉइड आर आईफोन. मैंने आपसे बहुत क्लियर कहा है, बेसिक थिंकिंग नहीं लगानी है कि आप मुझसे पूछो कि सर आईफोन और एंड्रॉइड कैसे एक साथ हो गए. ये चीज नहीं चाहिए. ठीक, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमारा इसमें बेसिक रूल नहीं लगता, बेसिक लॉजिक नहीं लगता है. जो दिया है हमें उसको मानना पड़ेगा. तो पहला था ऑल मोबाइल्स आर एंड्रॉइड और दूसरा था ऑल एंड्रॉइड आर आईफोन. तो कंक्लूजन क्या बनेगा? कंक्लूजन किस किसके बीच बनेगा? मोबाइल और आईफोन के बीच क्या बन जाएगा? ऑल मोबाइल्स आर आईफोन. ठीक, एक और कर रहे चलिए. ऑल टॉवल्स आर टैप. टैप मतलब नल. ऑल टॉवल्स आर टैप. और दूसरा है ऑल टैप्स आर टूथपेस्ट. ऑल टॉवल्स आर टैप. दूसरा है ऑल टैप्स आर टूथपेस्ट. तो कंक्लूजन क्या बनेगा? ऑल टॉवल्स आर टूथपेस्ट. इस बात को समझ पा रहे होंगे, जो पहले स्टेटमेंट में जो ऑल के साथ दिया हुआ होता है वही हम कंक्लूजन में लेते हैं, और आखिर में चौथे नंबर पर जो शब्द था उसको हम बाद में ले लेते हैं. बहुत सिंपल कंक्लूजन. बहुत सिंपल है या नहीं? चलिए और करते हैं. ऑल टेलीविजन्स आर एसी. ऑल टेलीविजन्स आर एसी. दूसरा है ऑल एसी आर कूलर्स. All televisions are AC. दूसरा है, दूसरा था All ACs are coolers. ठीक. अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ. तो क्या कंक्लूजन बनेगा? ऑल टेलीविजन आर कूलर. बहुत इजी लग रहा होगा ना अभी. बहुत इजी लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, है भी. ठीक है, लेकिन जब हम प्लेट्स वगैरह की सहायता से भी करेंगे तो भी मजा आएगा, तो समझ में आएगा. प्लेट्स मैं प्लेट्स और कटोरी की सहायता से करेंगे उसमें ज्यादा मजा आएगा. ठीक है, उसमें क्यों मजा आएगा? क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकल वे में कर रहे होंगे इसलिए मजा आएगा. यहां तो रट्टू टूटता चल रहा है अभी. जो मैं कह रहा हूं आपने रट लिया, और रटाना मेरा स्वभाव नहीं है. समझाऊंगा प्रॉपर. अगर आप लोग चूड़ियां लाएंगे तो चूड़ियों से समझाऊंगा, अगर प्लेट्स लाएंगे तो प्लेट्स से समझाऊंगा, अगर ये भी नहीं होगा तो कोई तीसरा मेथड अपना लूंगा, जो आपके लिए सबसे सूटेबल होगा वो मेथड. ठीक,
पर अगर थोड़ी सी कहना है इस तरह की चीजें होती हैं तो आसानी आप लोगों को ज्यादा होगी, मेरे से कहीं ज्यादा, मुझे तो बताना है, इस बात को आप समझते ही हो। पर आप लोगों के लिए आसानी इसलिए हो जाएगी क्योंकि आप उसको खुद प्रैक्टिकल वे में करेंगे, तो वो चीज हमेशा याद रह जाएगी। ये तो सिर्फ रटवाया है मैंने अभी तक, तो रटा हुआ माल कुछ ही समय के लिए रहता है, याद रखिएगा, रटा हुआ कोई भी चीज होगी वो कुछ ही समय के लिए होगा, लेकिन समझी हुई चीज बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत लंबे समय के लिए होती है और कभी कभी जीवन पर्यंत होती है। ठीक, ये था ऑल वाला केस। ओके, आज के लेक्चर में हम एक और केस करेंगे ओनली, वो केस होगा ऑल प्लस सम का। ठीक है, मतलब पहला बनेगा जैसे ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, और दूसरा बनेगा सम कैट्स आर मंकीज। देखिए ऑल डॉग्स आर कैट्स, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए बहुत ज्यादा, ऑल डॉग्स आर कैट्स मतलब डॉग पहले है, कैट बाद में है, और यहां पर क्या है, सम कैट्स आर मंकीज, कैट पहले है मंकी बाद में है, मतलब पहला और दूसरा, मतलब पहला डॉग दूसरा कैट, फिर तीसरा कैट चौथा मंकी, इस तरीके से प्रश्न ढला हुआ है। ठीक है, ऑल डॉग्स आर कैट्स, और दूसरा स्टेटमेंट में ध्यान दीजिएगा सम से स्टार्ट हो रहा है, सम कैट्स आर मंकीज, पहला स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो और दूसरा स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो, ये तब की कंडीशन आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर पहला स्टेटमेंट सम से स्टार्ट होगा दूसरा ऑल से स्टार्ट होगा तो डिफरेंट केस है, बहुत क्लियर सुन लीजिए इस बात को, पहला ऑल से हो रहा है दूसरा सम से हो रहा है तब ये कंडीशन है, मतलब पहला क्या है ऑल डॉग्स आर कैट्स और दूसरा है सम कैट्स आर मंकीज। तो अब हम कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, चलिए करके देख लेते हैं, मालूम पड़ जाएगी कैसे करना है। अगर ऑल प्लस सम की कंडीशन है तो डॉग्स और मंकी के बीच कोई रिलेशन नहीं बनेगा, मतलब पहला और चौथे के बीच नो कंक्लूजन। अगर आपको मान लीजिए निष्कर्ष में दो निष्कर्ष दे रहा हो, पहला हो कि ऑल डॉग्स आर मंकीज, निष्कर्ष बता रहा हूं, निष्कर्ष भी इसी तरीके के होते हैं, ठीक है, पहला आपको कंक्लूजन दे रहा हो कि ऑल डॉग्स आर मंकीज और दूसरा कंक्लूजन दे रहा हो सम डॉग्स आर मंकीज, क्या करोगे, नीदर ए नॉर बी कंक्लूजन फॉलोज। मतलब अगर ऑल प्लस सम की कंडीशन है तो उसमें कोई कंक्लूजन नहीं बनता, इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए प्रॉपरली। ये अभी जितनी भी चीजें चल रही हैं सब रटने के स्तर पर चल रही हैं, मैं आपको बहुत क्लियर शार्प कह देता हूं, केवल रटने के स्तर पर, इसका प्रैक्टिकल वे हम करेंगे ही करेंगे, इसलिए मैंने कहा था पहले सरल बताऊंगा। अब आप समझ पा रहे होंगे सरल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप रट रहे हो तो समझ में ही नहीं आ रहा है, लग तो रहा है कि इजी है लेकिन रटना पड़ रहा है, वही जब एक बार प्रैक्टिकल वे समझ लेंगे उसके बाद दोबारा इस तरीके को आप समझेंगे तो वो चीज समझ में आएगा, इसलिए मैंने कहा था कि बाद में ये लिस्ट आपके लिए वरदान साबित होगी। अब आप मेरी बात को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, मैंने क्यों और क्या कहा था, चलिए निकाली जरा, ऑल टेलीविजन्स आर एसी और सम एसीज आर कूलर्स, तो बताइए जरा टेलीविजन और कूलर के बीच क्या संबंध बनेगा, क्या कंक्लूजन आएगा। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 02266838637। नो कंक्लूजन, बहुत बढ़िया। अगला करें ऑल पेन आर पेपर्स, सम पेपर्स आर कैलकुलेटर
All pens are papers. Some papers are calculator. Pen और calculator के बीच क्या संबंध बनेगा? No conclusion. क्या conclusion बनेगा? No conclusion. चलिए अब तो आप लोग होशियार हो गए. अगला कीजिए. All bottles are medicine. All bottles are medicine. Some medicines are glass. Some medicine are glass. All bottles are medicine. Some medicine are glass. तो bottle और glass के बीच क्या conclusion आएगा? No conclusion. तो all plus some का कोई खेल होगा, कोई game होगा, कोई question होगा और पहले और चौथे के बीच आपसे कोई संबंध पूछेगा तो क्या होगा? No conclusion. ध्यान रखना पहले और चौथे के बीच की ही बात है, चाहे all plus all वाला केस हो चाहे all plus some वाला केस हो, दोनों में बता रहा हूं. और अभी जो हम लिस्ट कर रहे हैं उसमें पूरे में पहले और चौथे के बीच की बात हो रही होगी, ठीक है ना? पहले का दूसरे से, पहले का तीसरे से, वो कहीं बात नहीं है. यहां पे पहले का चौथे से ही बात चल रही है और कुछ नहीं. उसमें भी तब कब? जब दोनों जो दूसरा और तीसरा है वो समान हो. जैसे ऑल डॉग्स आर मंकीज, तो अगला जो स्टार्ट होगा मंकी से ही होना चाहिए, चाहे ऑल हो, सम हो, नो हो, सम नॉट हो, कुछ भी हो, ठीक है, मंकी से स्टार्ट होना चाहिए. ऑल डॉग्स आर मंकीज, दूसरा कैसे स्टार्ट होना चाहिए? सम मंकीज आर या ऑल मंकीज आर, इस तरीके से स्टार्ट होना चाहिए, तब हमारी ये लिस्ट काम करती है, अन्यथा ये लिस्ट काम ऐसे नहीं करती, ठीक. और अधिकतर केस में हमें इसी तरीके की चीज मिलती है, इसलिए घबराने की भी कोई आवश्यकता नहीं. इसलिए ये लिस्ट आपके लिए वरदान साबित होगी, मैंने ऐसा कहा था, राइट? और ये है आपका अभी तक का, दो ही चीजें मैंने अभी तक बताई आपको, दो केस बताए हैं अभी तक, ऑल प्लस ऑल वाला जिसमें कंक्लूजन क्या आता है, ऑल का आता है, और दूसरा केस बताया है ऑल प्लस सम का जिसमें क्या रिजल्ट आता है, नो कंक्लूजन आता है. लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि पहले और चौथे के बीच के रिलेशन सही है, ठीक, जहां पर दूसरा और तीसरा समान होता है. इस बात को आप समझ गए होंगे, मैं इस बात को फिर रिपीट कर देता हूं. जैसे ऑल डॉग्स आर कैट्स, ठीक है, पहला और दूसरा कौन हो गया? पहला डॉग हो गया, दूसरा कैट हो गया. तीसरा चौथा कैसे निर्धारित होगा? तीसरा चौथा इस तरीके से निर्धारित हो जाएगा, सम कैट्स आर मंकीज, तो तीसरे पे कैट आएगा, चौथे पे मंकी आ गया. तो दूसरा और तीसरा समान होना चाहिए, दूसरा भी कैट था, तीसरा भी कैट था, ठीक. तब हम पहले और चौथे के बीच के संबंध को इस तरीके से बता रहे हैं, ठीक. इस तरीके से हमारा ये प्रश्न ढला हुआ होता है और इस तरीके से हम आंसर करते हैं. ये सिर्फ रटने वाले हैं, याद रखिएगा, अभी तक मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, ये सिर्फ रटने का है, इसलिए इजी है. और जब हम एक बार समझ लेंगे ना, फिर ये वरदान है. अभी तो ये बेकार है, बहुत क्लियर कह रहा हूं, अभी तो ये बेकार है, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे इसी को तो वरदान बनाना है, ठीक. ये आज के लेक्चर को मैं यही विराम देना चाहूंगा. अगर आपको कोई चीज यहां तक क्लियर नहीं है तो कुछ समय तक वेट भी कीजिए पहले, उसके पीछे रीजन ये है, पहले सब चीजों को क्लियर होने दीजिए, पूरे को होने दीजिए. उसके बाद भी क्लियर ना हो, आपके पास मेरा नंबर है ही, और नहीं है तो सेव कर लीजिए, 9758303742, 9758303742. इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल कर सकते हैं. सबसे पहले कोशिश कीजिएगा मैसेज या व्हाट्सएप मुझे आप लीव कर दें, अपने नाम के साथ, अपने शहर के साथ, और आप मुझसे एक समय ले लें मुझसे बात करने का. मैं आपको वो समय प्रोवाइड कर दूंगा कि आप मुझे किस समय पर आप मुझसे बात कर सकते हैं. उस समय पर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या आपको मैं कॉल कर लूंगा, और आपकी जो भी जिज्ञासा होगी या जो भी फीडबैक होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, राइट. अपने फीडबैक जरूर भेजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक, मैंने हर बार कहता हूँ, आज फिर कहता हूँ, उस पेट्रोल के समान काम करते हैं जिसके बिना गाड़ी नहीं चलती. इसलिए आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है.
वो मुझे आप कंटिन्यूस वे में भेजते रहिए। ओके चलिए, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा और बहुत बहुत हेल्प मिली होगी आप इस शो को। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल हमें पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप इस शो को बार बार सुनिए। इसी शो को नहीं बल्कि रीजनिंग के या मैजिक के हर शो को आप बार बार सुनिए, क्योंकि जितनी बार सुनोगे आपको उतनी ही चीज़ें क्लियर होती जाएगी। जब हम पहली बार कोई चीज़ सुनते हैं तो ये इतना टफ सब्जेक्ट है, इतना घुमावदार सब्जेक्ट है कि हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार क्या बोल दिया, ये क्या सिखा दिया, ये क्या समझ नहीं आ रहा कुछ भी। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप दूसरी बार सुनोगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा, जब तीसरी बार सुनोगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर इमेज बन जाएगी। चलिए अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेती हूँ, अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, हम दोनों लेते हैं आपसे इजाज़त। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर अपने फीडबैक हमें देंगे। फीडबैक देने के लिए आपको विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट जो कि है www.radiodan.com। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो भी आप हमें मेल आईडी के जरिए पूछ सकते हैं। मेरी मेल आईडी है meenasinghvi@gmail.com, meenasinghvi@gmail.com। इस आईडी पर आप अपने सवाल को मेल कर सकते हैं, हम आपको मेल में आपका आंसर दे देंगे सॉल्व करके उस क्वेश्चन को। इसके अलावा YouTube पर भी हमारे ये शो उपलब्ध होते हैं, तो आप जब चाहो YouTube में ये शो सुन सकते हैं। इसके लिए आपको रेडियो उड़ान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जो नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। इन शो से बहुत हेल्प मिलेगी, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये शो ज़रूर सुनिएगा और इससे आपको जितना बेनिफिट मिल सकता है उस बेनिफिट को ज़रूर उठाइएगा। चलिए अब लेते हैं आपसे ज़्यादा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कि इसी वक्त इसी समय, तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox & Kings, accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com.